अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अपने चैनल शहजाद एकेडमी में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक ऑपरेटर किस तरह से काम करता है और इसको कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जो है यूज़ कर सकते हैं। आज हम डिटेल से इस लाइक ऑपरेटर को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल क्वेरी लगाते हैं। अब हम इस क्वेरी में हम ऐड करेंगे वेयर क्लॉज के साथ कि हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जो कि एस से शुरू होते हों। किस तरह से लिखेंगे हम। वेयर ई नेम, ई नेम का कॉलम में ले रहा हूँ क्योंकि एम्प्लाइज के नेम के ऊपर जो मुझे सर्चिंग करनी है। ठीक है, ई नेम लाइक इसको भी हमें सिंगल कोट में लिखना है, एस आगे परसेंट। ठीक है, वो एम्प्लाइज जिनका नाम जो है वो एस से शुरू हो रहा हो, आगे कुछ भी हो, ठीक है ना, वो रिकॉर्ड हमें लाके दिखा दो। दो रिकॉर्ड हमारे सामने आए, स्मिथ और स्कॉट, दोनों के जो नेम हैं वो एस से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, परसेंट का मतलब आगे कुछ भी हो। अगर बिल्कुल इसको अपोजिट करें, यानी कि परसेंट के साइन को शुरू में लिखें और एस को हम बाद में लिखें, तो क्या होता है। तीन रिकॉर्ड हमारे सामने आए, जॉन्स, एडम्स एंड जेम्स, और इन तीनों के एंड में जो है एस कैरेक्टर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस पर्सन के साइन को इस एस के दोनों साइड पे यूज करूं तो क्या होता है। स्लैग स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, यहां पे मैंने क्या किया, परसेंट को एस के बाद भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर किया, अब इसने क्या किया, अब इसने जस्ट सिंपल यही काम किया कि वो रिकॉर्ड जो कि एस से शुरू हो रहे थे और वो रिकॉर्ड जिनके एंड में एस था, वो दोनों के दोनों रिकॉर्ड जो है वो हमें लाके दिखा दिए इसने। ठीक है, तो वो दोनों एक सेपरेट क्यूरी से ये कंबाइन क्यूरी हो गई है। तो ये सर्चिंग क्राइटेरिया होता है कि बेसिकली आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लाइक के ऑपरेटर को जो है ये डेट डाटा टाइप के कॉलम के साथ यूज़ करूं तो क्या होता है। स्लैग स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, वेयर हाई डेट लाइक, मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ परसेंट शुरू में कुछ भी हो लेकिन एंड में जो हो सन 87 हो, वो तमाम एम्प्लॉयज जो है मुझे ला के दिखा दो। अब इसने क्या किया, ये देखें, ये दो रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनके एंड में 87 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डेट के कॉलम के साथ जो है भी हम लाइक के ऑपरेटर को जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को जो है मैं एक दूसरे तरीके से सर्च करता हूँ, स्लैग स्टेरिक फ्रॉम ई एम पी, वेयर हाई डेट लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि शुरू में अंडरस्कोर लगा देता हूँ, परसेंट का साइन यूज़ नहीं करता। ठीक है, और एंड में 81 कह देता हूँ। क्या कहा इसने, नो रोज सिलेक्टेड, हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सन 81 का रिकॉर्ड जो है मौजूद है। अब हुआ क्या है, हुआ सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिंटैक्स का जो है ना लिखने का तरीका जो है ना थोड़ा सा वो आपको सही करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्लैग स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर हाई डेट लाइक। ठीक है, अब ये 81 से पहले जो मैंने अंडरस्कोर लगाए थे। अच्छा, अब आप इसको काउंट करें, अगर ये 81 यहाँ पर है तो इससे पहले जो है कैरेक्टर या नंबर टोटल वो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 अंडरस्कोर दे दूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और अब मैं एंटर करता हूँ, क्या किया इसने, 81 के टोटल 10 रिकॉर्ड हमें लाके दिखा दिए। तो पहले वो सिंपली मैंने रॉन्ग लिखा इसी वजह से था ताकि आपको बाद में बता सकूँ कि एक्चुअल इसका जो फॉर्मेट क्या है।
ठीक है। उसने क्या किया कि शुरू के जो करेक्टर और नंबर थे उनको काउंट किया, उसको अंडरस्कोर में ले लिया हमने, और बाद में हमने 81 लिख दिया। तो उसने क्या काउंट किया कि शुरू में कुछ भी है, यानी यहाँ पर जो है ये परसेंट का काम कर रहा है। तो इस तरह से भी जो है हम डेट के कॉलम को जो है सर्च कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो सर्चिंग है वो इस तरह से भी तो हो सकती है ना, स्लैग स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक, ये भी हो सकता है कि मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम जो है वो S से शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी है और एंड में T है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे सर्च किया और इसको एम्प्लॉय नेम मिल गया स्कॉट, ठीक है, क्योंकि S से शुरू हो रहा है, T पे ख़त्म हो रहा है। तो एक सर्चिंग का क्राइटेरिया ये भी है कि हम उसको शुरू का और एंड का करेक्टर भी बता सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जो है मैं इस टेबल को फिर से पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा देखिए, इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है कि जिसके नाम के किसी भी जगह सेंटर में जो है अंडरस्कोर आ रहा हो, ठीक है। अगर डेटाबेस में कोई एक रिकॉर्ड ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें किंग अंडरस्कोर S या कुछ भी, या आपका नाम है आबिद खान है तो आबिद अंडरस्कोर खान, ठीक है, यानी कि अगर अंडरस्कोर अगर यूज़ हुआ हुआ है एम्प्लॉय के नेम में किसी भी जगह पर, ठीक है, तो उसको सर्च करके कैसे लेके आएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एक काम करते हैं कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं जिसमें अंडरस्कोर जो है इसमें मौजूद हो, ठीक है, उसके बाद फिर उसको जो है सर्च करते हैं किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि इंसर्ट इनटू ईएमपी, फ़िलहाल मैं दो कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए। EMPNO का नंबर मैं ले लेता हूँ, इसमें 7110 ले लेता हूँ, ठीक है, और नेम में ले लेता हूँ इसमें शाह अंडरस्कोर खान, मेरा नाम शहजाद है तो शाह खान मैं ले लेता हूँ, ठीक है, किसी का नाम क्या यूज़ करना, अपना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक रिकॉर्ड जो है इसमें इंसर्ट कर दिया। अभी आप इस पर मत जाइएगा कि इंसर्ट, अभी आप इस पर मत जाइएगा कि मैंने किस तरह से रॉ को जो है इंसर्ट किया है, ठीक है। इंसर्शन जो आगे हमारी क्लास आएगी उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट जो है हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है। स्लैग स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब देखें सबसे ऊपर, चूंकि नंबर इसका सबसे छोटा लिया था मैंने 7110, बाकी नंबर जो है वो इससे ग्रेटर देन है, तो इसने इस वजह से इसको जो है सबसे शुरू में ले लिया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके नाम के दरमियान अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है और हम इसको जो है सर्च कराना चाह रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर किस तरह से उसको जो है सर्च करवाएंगे। स्लैग स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर ई नेम लाइक परसेंट अंडरस्कोर परसेंट, कोई करेक्टर नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं अंडरस्कोर ले रहा हूँ और दोनों साइड पे मैंने जो परसेंट लगाया है। क्या किया इसने, तमाम के तमाम रिकॉर्ड लाके दिखा दिए इसने। यहाँ पर जो है हम एक सिंबल जो है और यूज़ करते हैं, वेयर ई नेम लाइक परसेंट क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर परसेंट, ठीक है, एस्केप, और यहाँ सिंगल कोट में ले लेंगे हम इस क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब देखिए इसने वो रिकॉर्ड जो है हमें लाके दिखा दिया जिसके दरमियान में जो है अंडरस्कोर आ रहा था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क के सिंबल को जो हमने यूज़ किया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन मार्क के सिंबल के अलावा हम दूसरा कोई ब्रैकेट भी ले सकते थे, लेकिन इसको जो है बाद में फिर हमें एस्केप करवाना होगा। जनरली जब हमने देखा ऊपर करके, अगर हम खाली परसेंट साइन ले लेते हैं अंडरस्कोर के बिटवीन जो है, तो ये हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड ला के दिखा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये अंडरस्कोर वाला रिकॉर्ड लेके आए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हमें एक सिंबल को यूज़ करते हुए उसको एस्केप करवाना पड़ेगा सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। अच्छा, पिछली क्लासेस में जो है हम एंड और बिटवीन ये तमाम ऑपरेटर जो है वो देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है मैं और का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ और सर्चिंग करता हूँ, क्या करूँगा मैं, स्लैग स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर ई नेम लाइक
एस पर्सन, ठीक है, और ई नेम लाइक एम पर्सन, ठीक है, यानी कि वो रिकॉर्ड मुझे लागे दिखा दो जो एस से शुरू हो रहे हैं और जो एम से शुरू हो रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों रिकॉर्ड लागे दिखा दो। क्या किया इसने, एस से जो रिकॉर्ड शुरू हो रहे हैं वो भी लागे दिखा दिए और जो एम से शुरू हो रहे हैं वो भी लागे दिखा दिए, ठीक है। तो वो एक सिंगल करेक्टर को अगर सर्च करवाना है और अगर मल्टीपल को करवाना है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्यूरी मैं आपको और बताता हूँ जिसके अंदर जो है मैं और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और इनकी कंडीशन भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन तीनों ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और फिर हम अपनी जो रिक्वायर्ड जो सर्चिंग है वो करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्लैग स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इन। अब यहाँ पे जो है मैं इसको दो कैटेगरीज बता देता हूँ, मैनेजर और मैं ले लेता हूँ इसमें एनालिस्ट, ठीक है। और साथ यहाँ पे मैं एंड का ऑपरेटर लगा के कहता हूँ, यानी कि ये इन दोनों में से हो और सैलरी जो हो वो ग्रेटर देन हो 1500 के, ठीक है। और फिर मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया और एक कंडीशन लगा दी कि और ई नेम यानी इसमें रिकॉर्ड कौन सा सर्च करना है, लाइक जो एस से शुरू होता हो और आगे कुछ भी हो। क्या किया इसने, इसने एक रिकॉर्ड लाके दिखाया हमें स्क्वाड, क्योंकि हमने मैनेजर एनालिस्ट में से कहा था तो एनालिस्ट में से निकला, ठीक है। सैलरी हमने कहा था कि 1500 से ग्रेटर देन हो तो 1500 से ग्रेटर देन इसकी सैलरी। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट कंडीशंस और ऑपरेटर के साथ जो है हम अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा लेक्चर था लाइक ऑपरेटर पे वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।